नौजवान एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के नव निर्वाचित सीओए मेंबर और मैसर्स नवाब रीजेंसी के पार्टनर नबील अहमद ने सभी महानगर वासियों और सभी देशवासियों को आने वाले नए साल सन 2020 की एडवांस मुबारकबाद पेश करते हुए उन सभी वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उन पर एतमाद जाहिर करते हुए उन्हें सीओए मेंबर चुनकर ट्रेड की खिदमत का मौका दिया है। नबील अहमद 27 दिसंबर की शाम को मुस्तफ़ा आबाद रामपुर रोड मुरादाबाद पर वाक़े अपने ऑफिस में सिटी चैनल 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उनके वालिद और मशहूर कारोबारी शख्सियत हाजी नवाब अहमद, भाई हाजी वसीम अहमद, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के स्पेशल इन्वाइटी मेम्बर और मशहूर एक्सपोर्टर हाजी नदीम अहमद ख़ान व इमरान अहमद और सगीर अहमद भी मौजूद रहे। इस मौके पर नबील अहमद ने आवाम से ये अपील भी की कि वो हर हाल में अमन अमान कायम रखें क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए शांति बहुत ज़रूरी होती है। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में सीओए मेंबर नबील अहमद ने कहा कि मुरादाबाद की तिजारत का रास्ता आर्टिजन्स की तरक्की और खुशहाली की दहलीज से होकर गुजरता है। आर्टिजन्स खुशहाल होंगे तभी ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, हाशिम भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ मुरादाबाद की आवाम से, यहाँ के एक्सपोर्टर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, इस लायक समझा कि मैं ईपीसीएच में जाकर बैठूँ और लोगों की समस्याओं को समाधान ढूंढ सकें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो सबसे बड़े पिलर्स हैं हमारे ट्रेड के लिए वो हमारे आर्टिसंस हैं। आर्टिसंस के लिए उनकी कॉलोनी में बेहतर से बेहतर काम किया जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई का सही से इंतज़ाम होना चाहिए और उनको अपने साथ कैसे लेकर चला जाए। ये बड़ी प्रॉब्लम जो आज एक्सपोर्टर्स को आ रही है वो पॉल्यूशन की है और R2 की है। तो ये सारी समस्याएं एक सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके सामने रखी जाएंगी और EPCH के प्लेटफॉर्म से रखी जाएंगी। आपने अपनी तरफ से कोई योजना बनाई है जिसे आप EPCH की बैठक में पेश करेंगे इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, यहाँ जो दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, जो हमारी ढलाई की भट्टियाँ हैं या सिल्ली की भट्टियाँ हैं वो बंद होने के कगार पर हैं, पीछे बंद भी हो गई हैं, अभी टेम्परेरी स्टार्ट हुई हैं। तो उसके लिए भी आगे सारे जितने भी महकमे हैं उनमें रखा जाएगा और वो समस्या पूरी तरह से वो डायरेक्ट आकर मुलाकात कर सकते हैं और EPCH से रिलेटेड या ट्रेड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसको साथ में चलकर हम हर वक्त तैयार हैं, हम साथ में चलकर उसको समस्या को सॉल्व करेंगे। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं पूरी कोशिश की जाएगी उसको सॉल्व करने की। देखिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए अमन बहुत ज़रूरी है, शांति बहुत ज़रूरी है। तो आजकल मुल्क के जो हालात हैं उससे आप भी वाकिफ़ हैं, हम सब वाकिफ़ हैं, तो आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे शांति व्यवस्था बनाए रखने के हवाले से? अजीम भाई, मेरी आवाम से एक ही अपील है कि अमन और शांति बनाए रखें और जो भी जो मसले शहर इस वक्त पूरे मुल्क के हालात हैं ये जो भी कानून नए आ रहे हैं उसके खिलाफ कोई अगर एजिशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसे अमन सुकून से उसे निपटाया जाए, पीसफुल तरीके से उसे निपटाया जाए। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में न लें और बिल्कुल एकता और भाईचारा बनाए रखें। एक आखिरी सवाल ये कि नया साल आने वाला है, आप एक सीओए मेंबर होने के नाते, एक युवा निर्यातक होने के नाते क्या आपने नए ख्वाहिशात पेश करना चाहेंगे सबके लिए? भाई, मेरी सारी मुल्क से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा और इस नए साल में अमन और सुकून बनाए रखें, पीसफुल तरीके से नया साल मनाया जाए और कारोबार के लिए भी, मुरादाबाद के कारोबार के लिए भी अच्छी और बेहतरी नए ख्वाहिशात के साथ नया साल स्टार्ट करें।